नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अश्विनी शिंदे। राम राम शार्क मंडली। मैं हूँ योगेश और हम पुणे से हैं। अरे रे योगेश जी, ये क्या लेके हैं आप? ये है बांस, बाम्बू, गोल्डन ग्रास। अरे ये तो मुझे भी पता है, बट आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? ये तो शार्क टैंक इंडिया का मंच है ना। अरे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जैसे शार्क टैंक ने दुनिया के कई स्टार्टअप को मदद करके दुनिया में क्रांति ला रहे हैं, वैसे ही हम इस बांस से दुनिया बदलने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे? मैं आपसे और सभी शार्क से एक सवाल पूछता हूँ, आपका आखिरी यूज किया हुआ प्लास्टिक टूथब्रश कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे फेंक दिया था। सही जवाब। मेरे ख्याल से सभी शार्क का भी यही जवाब होगा, राइट? बिल्कुल। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, प्लास्टिक टूथब्रश का निर्माण 1938 में यानी लगभग 80 साल पहले शुरू हुआ था, और तब से लेके आज तक यानी बचपन में हमने यूज किया हुआ पहला प्लास्टिक टूथब्रश आज भी इस धरती पे मौजूद है और हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। डियर शार्क्स, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? लेकिन हमने सोचा ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर उपाय भी ढूंढ निकाला है। बाम्बू इंडिया पेश करते हैं बाम्बू टूथब्रश। बाम्बू टूथब्रश एक नेचुरल 100% बाम्बू से बनाया हुआ टूथब्रश है, जो कि इजीली कंपोस्टेबल है। हमने आज तक 40 लाख से भी ज्यादा बाम्बू टूथब्रश का निर्माण किया है और 18 अलग अलग देशों में और भारत के 2050 से भी ज्यादा पिन कोड नंबर पे सक्सेसफुल डिलीवर हो चुका है। हमारे प्रोडक्ट्स bambooindia.com, Amazon, Flipkart जैसे मार्केट प्लेस और भारत में कई स्टेट्स में 300 से भी ज्यादा शॉप्स पे रिटेल्स में उपलब्ध है। शख्स, शुरुआत में तो हम सिर्फ 100 ब्रश प्रतिदिन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज हमारे पुणे प्लांट में हम 50,000 ब्रश प्रतिदिन बना रहे हैं। थोड़ा और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। अश्विनी और हम KG to PG हमने पुणे में ही किया है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर मैनेजमेंट में कंप्लीट करने के बाद मैंने IT ज्वाइन किया, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीडर, प्रोग्राम मैनेजर, कंट्री हेड, और फिर 5 साल में मैं जर्मनी में था। अच्छा। और मुझे क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, तो मैंने सोचा कि ये क्रिएटिविटी मैं हमेशा फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मैं वापस इंडिया आके कुछ अपने देश के लिए करूँ। ऐसा लगा कि एक साल का ब्रेक लिया जाए और बिजनेस किया जाए, और अभी एक साल के 5 साल कैसे हुआ पता ही नहीं चला। और ये कैसे चुना आपने कि आपको यही काम करना है, बैम्बू के टूथब्रश? क्योंकि नमिता मैम जानती कि पुणे के आसपास बहुत सारे बाम्बू अवेलेबल हैं। अच्छा। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वाओ। और हम वो पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहे, तो सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते। सर मैं बताना चाहूंगा कि वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु लॉन्च बाम्बू टूथब्रश इन इंडिया इन 2015, और हम पायोनियर हैं। शुरुआत में हम हैंडक्राफ्टेड ब्रश बना रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि प्लास्टिक टूथब्रश का 5,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में, और 2 ही कंपनी है जो 40% लेके बैठ गई है, और बाकी 20% में बाकी लोकल प्लेयर झगड़ा कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक कंपनी हमारे साथ है, तो उन्होंने हमको ना बल्कि ग्रूम किया इस बिजनेस में। उन्होंने हमको सिखाया कि हाउ टू मेक अ क्वालिटी ब्रश। वो सब करके आज अभी 2 साल हुए, वी आर सक्सेसफुली डिलीवरिंग ऑल द GMP स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। फॉर उन्होंने अपना किलर पैदा कर दिया। नहीं, किलर नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो वो कॉम्पिटिशन नहीं होगा, इट्स अ कोलैबोरेशन। उनके OEM बन जाएंगे फिर? नहीं, अभी ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। और एक आपने ये नेकलेस भी यहाँ पे, जी जी, वो भी बांबू से बनाया हुआ है, जो मैंने पहना है वो भी बांबू से बनाया हुआ है। आपके सर हाथ में जो ब्रश है वो वर्ल्ड्स सॉफ्टेस्ट ब्रश है, ये देख रहा हूँ, फील करके ही लग रहा है। इट इज कॉल्ड एज नैनो ब्रिसल्स। नैनो ब्रिसल्स। हमने जब स्टार्ट किया था 2015 में, तो उसकी प्राइस 180 रुपए पर ब्रश थी बाम्बू ब्रश की, जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस इन्हांस करते करते सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करके आज वो हम MRP 45 रुपीस तक लेके आए। ये 45 का? यस। MRP आपकी कॉस्ट 15 रुपीस। योगेश और अश्विनी, और एक बात बताइए, आपने काफी भारी वैल्यूएशन मांगा है 20 करोड़ का, तो आपकी सेल्स क्या है? लास्ट ईयर इवन दो देयर वाज अ कोविड, वी हैव क्लोज 2.8 crore।
नाइस। और अभी इस इवन दो 3 months हमारा लॉकडाउन था मई में, आपको पता है पुणे में, फिर भी वी 2.2 करोड़ हमने टिल अक्टूबर मिड तक हो गया है हमारा। इस साल हम 3.8 या 4 को टच करेंगे। वेरी गुड, तो मतलब सस्टेनेबिलिटी और इनकम का एक बैलेंस आपने स्ट्राइक किया है, राइट। और अश्विनी जी का क्या रोल रहता है ये कंपनी में? मैं सारा एडमिन का देखती हूँ और ऑनलाइन पोर्टल के सारे ऑर्डर्स देखती हूँ। और आज की तारीख में आपका दोनों की हिस्सेदारी है कि और भी शेयर होल्डर है? नहीं नहीं, अभी तो हम दोनों की है। तो आप सबके लिए प्राइवेट लेबलिंग ही करेंगे, मतलब व्हाइट लेबल गुड्स बनाएंगे, यही आपका गोल है या आप चाहते हैं कि अपना भी ब्रांड बनाएंगे? पीयूष जी, एक्चुअली क्या है, व्हाइट लेबलिंग का हमारा काफी अच्छा चल रहा है अभी, जो ब्रेड बटर होता है या फिर जो भी ग्रोथ है। तो अभी हम मार्केट का अंदाजा ले रहे थे कि क्या कहाँ पे जा सकता है, और अभी ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स अ गुड टाइम। अभी मार्केट भी ओपन हो रहा है, नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं, और इतना बड़ा मंच शार्क टैंक का मिल रहा है और हमको पहले सीजन में चांस मिला, तो ऐसे लगा कि दिस इज अ गुड टाइम कि हमारे ब्रांडिंग से या बाम्बू इंडिया ब्रांड, जो मेड इन इंडिया ब्रांड है, जो मेक इन इंडिया जो हमारा प्राइड है, वो हमको आगे लेके जाना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल शख्स। सत श्री अकाल। चालू करने से पहले मेरे को एक परमिशन चाहिए कि मैं बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद शख्स, ये चांस देने के लिए। वेट कर लो, एक मिनट बाद बात कर लेना, थोड़ा सांस ले लो। कोई जल्दी नहीं है। तो मैं एक सिख हूं और मेरी विजिबल आइडेंटिटी मेरा ये ताज, वेल ग्रूम बियर्ड और ये कड़ा है। ये आइडेंटिटी हमारे गुरुओं ने हमें बख्शीश की है, जो यूनिक है और ग्लोबल भी है। और ये आइडेंटिटी को हमें बस इसकी सेवा करनी है, और इस सेवा करने के लिए हमें बस इसको मेंटेन करना है। और ये 400 सालों में ऐसा कोई भी ब्रांड आया नहीं जो हम सिखों की ये आइडेंटिटी को मेंटेन करने में हमारी मदद करें और हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करें। आपने तो हमेशा सरदारों को देखा होगा कि एकदम वेल मेंटेन बियर्ड हम लोग रखते हैं, पर ये बियर्ड मेंटेन करने के लिए बिना इंग्रेडिएंट मेंशन गम्स और हेयर स्प्रेज यूज करते हैं, और ये हेयर स्प्रेज कुछ भी अल्कोहल बेस्ड होते हैं। ये बहुत रेस्पिरेटरी स्किन के लिए हानिकारक है। कई सिख मालूम है जो बेसिकली अस्थमा के भी शिकार हो चुके हैं। One of them is me. अगर आप आज के सरदारों को देखें तो वो काफ़ी स्टाइलिश हैं, वो ब्रांड कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, वो ढूंढ रहे हैं ऐसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। यही सोच के हमने सिंह स्टाइल लॉन्च किया 2016 में। मेरा नाम चरणजीव है, मैं मुंबई से हूँ और मैं सिंह स्टाइल का फाउंडर हूँ। और मेरी कलीग सत्यकाल शाक। सत्यकाल जी। मेरा नाम अश्वत पुजारी, मैं मुंबई से हूँ, मैं सिंह स्टाइल में ऑपरेशन टीम को लीड कर रहा हूँ। सिंह स्टाइल आज दो जरूरतों पे फोकस करता है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी टर्बिन्स। जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स। हमारे सारे प्रोडक्ट्स नॉन अल्कोहलिक हैं और गम फ्री भी हैं। आज 130 देशों में हम ऑनलाइन के थ्रू शिप कर रहे हैं। Wow. हम आज तक 60,000 सिक्कों को ग्रूम करने में और स्टाइलिंग करने में मदद कर चुके हैं। मेरा क्वेश्चन है, पहले नॉर्मली जब यहाँ कोई आते हैं तो को-फाउंडर्स को लेके आते हैं, तो स्पेशली आप अपने ऑपरेशंस हेड को कैसे लेके आए? सर, सिंह स्टाइल में ना हमने पहले दिन से ये बेंचमार्क रखा हुआ है कि सारे बंदे जो भी कंपनी में हैं वो हिस्सेदार हैं। मैं शायद फाउंडर होऊंगा, पर मैं अशोक के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। और ये आपने कब स्टार्ट किया था? 2016 से चालू हुआ है। चरणजीव, अभी तो बहुत सारे मेन यू नो बियर्ड रखते हैं, एक स्टाइल हो गया है, बॉलीवुड इंस्पायर्ड, टॉलीवुड इंस्पायर्ड, जो भी आपको बताना है। हाँ जी। तो बहुत सारे कंपनीज आ गए जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं लास्ट 6 to 7 years से, तो आपके प्रोडक्ट्स में क्या अलग बात है? जो सिखों का बियर्ड है बेसिकली काफ़ी अलग है हम लोग का मेंटेन करने का तरीका। हमारे पास भी बियर्ड ऑयल है, पर उसको बियर्ड ऑयल ही हम बोलते हैं, उसको नरेशर बोलते हैं। वो नरेशर क्या काम करता है कि हम बोलते हैं आप रात को लगाइए जब दाढ़ी खुली हो, वो बेसिकली एक हीलिंग एजेंट है। तो वो बियर्ड ग्रोथ ऑयल ये सब हम नहीं बोलते, वो जो ग्रोथ है वो वायरों की देन है।
फिर जो दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स है जैसे बियर्ड सेटर, अभी वो बियर्ड सेटर नॉन अल्कोहलिक एंड और गम फ्री है, तो ये जैसे अभी जो मैंने अप्लाई किया है ये सेट है, ये दाढ़ी, ये ना बियर्डो में मिलेगी ना मैन कंपनी में मिलेगी, कोई भी ब्रांड में नहीं आपको मिलेगी। स्टाइलिंग जेल अल्कोहल फ्री तो है सारे, अल्कोहल फ्री है पर वो जो गम होता है, सी द टू थिंग, वो वैक्स होता है ना, वो लोग वैक्स यूज करते हैं, वैक्स भी लगाऊंगा तो ये पूरे दिन अभी तो स्वेट से ही खुल जाएगा। सो मेरे को ये फॉर्मुलेशन बनाने में, बिकॉज वी डोंट वांट द गम, इट टुक अस 4.5 इयर्स, 4.5 इयर्स, यस, जस्ट टू क्रैक इट। अश्वत प्रोडक्ट्स दिखा दो। फेशियल है, पूरे दिन आप बियर्ड सेटर यूज करते हैं तो वो पूरा रफ हो जाता है बियर्ड, इस कारण से उस स्मूथिंग करने के लिए हम फेशियल यूज कर रहे हैं। ये दस्तारे हैं क्लोथ के, जो हम टर्बन पहनते हैं उसके क्राउन लाइफ के लिए लंबी रखने के लिए और फ्रेग्रेंस मेंटेन करने के लिए होता है। तो ये जो फिनॉक्सी एथेनॉल एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल है, इससे हाँ। नहीं आपको अस्थमा? देयर इज नो इरिटेशन, बिकॉज़ ये भी तो अल्कोहल ही है ना। हाँ, but this is not very harmful. लेकिन alcohol ही है ना, आपने कहा non alcoholic है। See, there'll be certain chemicals जो alcohol पे depend करेंगे, but it's not like the ones which are using the hairsprays. अच्छा। आपके कितने SKUs हैं? Beard में around we got 6 SKUs हैं, और आपको accessories में आपको 4-5 SKUs आ जाएंगे, और turbans में more than 100 shades हैं। ये जो टर्बन्स वाला बिजनेस है, हाँ जी, ट्रेडिशनली जो सिक्स यूज करते थे वो अनब्रांडेड कॉटन टर्बन्स यूज करते हैं। टर्बन्स हमेशा अनब्रांडेड ही रहे हैं। तो फिर इसमें आपको क्यों लगता है कि एक ब्रांड प्ले होगा? ब्रांड प्ले इस तरह से होता था, जो हम लोग जो क्यूसी करते हैं, हम लोग ने जो पहली बार जब जितने भी पगड़ियां देखी, हमने ये देखा कि उसका जो कलर बहुत जल्दी फेड हो रहा था, कपड़ा काफी मिक्स आ रहा था, इट वाज नॉट इवन प्योर कॉटन। हमको जो चाहिए था, हमने बोला नहीं, जो पगड़ियां हम बेचेंगे वो होगा प्योर कॉटन का। चिरंजीव, और लेकिन ये बिल्कुल कमोडिटाइज है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ जो काफी मैंने शेयर नहीं की है। मैं सरदारों का बहुत आभारी हूँ। मेरे डैड ने जब अपना बिजनेस शुरू किया, जब पहले उन्होंने तरक्की पाई तो वो पगड़ी का कपड़ा बेचते थे, तो पहले पैसे जब बनने लगे तो वो यही काम से बने, तो हमारी परवरिश एक तरीके से यही काम से हुई। दूसरा, सरदारों ने अपनी लड़की मेरे घर ब्याही है, तो मेरी जो वाइफ है वो चंडीगढ़ की है, तो मैं तो बहुत ही आभारी हूँ।